दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सफर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी हम जा रहे हैं संदीप के साथ में, दोस्त के साथ में, रोड से सैर करने के लिए बाहर निकले हैं घर से। बकरी आ गया था इसीलिए बीच में, इस तरह से नजारा है गाइस। अभी मेरा दोस्त संदीप गया है, अभी होती मतलब होटल गया है कुछ सामान खरीदने के लिए, मतलब खाने की सामग्री खरीदने के लिए गया है। और आप लोग इस तरह देख सकते हैं इधर से नज़ारा है। हम लोग जाएंगे वो पहाड़, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बाइक दिखाते हैं, उधर दिख रहा है ना पहाड़, वो पहाड़ में हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, सैर करने के लिए। तो गए आप लोग इस वीडियो में बने रहे, कुछ होगा तेल का सामग्री खाने के लिए, तो गैस आप लोग देख सकते हैं। समोसा हम लोग बंडरा पहुंच चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं बद्री पहाड़, बद्री पहाड़ बोलते उसको, बद्री पहाड़ जा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से सामने जाके पता चलेगा कि कैसा है, दूर से देखने में तो बहुत ही मतलब देखने लायक नज़ारा है, पहाड़ है। सब लोग घुमाते हैं ये पहाड़ में जो लोहरदगा के बीचों बीच में लोहरदगा एरिया पड़ता है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं ये पहाड़ है, देख सकते दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका रास्ता है, चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। तभी हम लोग जा कर देखते हैं अभी कैसा नज़ारा है इसका। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को छोड़ के मत जे इसको मत किसी देखिए, दिखाते हैं थोड़ा सा एक झलक, दुकान घर है, होटल है, पर्यटक स्थल है, पजरी पहाड़ भंडरा लोहरदगा। किसको बने आया है, पहली बार आ रहा है, पहली बार आ रहा है। तो देख सकते हैं संदीप बाइक को मतलब लेफ्ट साइड कर रहा है, लगा रहा है, और अभी हमें थोड़ी देर में अभी हम लोग चढ़ेंगे ये का है पजरी बंडरा पहाड़ में, इस तरह से सीढ़िया बना हुआ है, आप फ्रेंड से भी देख सकते हैं, बहुत लंबा दूर तक है सीढ़िया, आप देख सकते हैं इस तरह से। हम लोग चढ़ने की शुरुआत करते हैं सीढ़ी, बहुत लंबा जाना होगा, अभी देख सकते हैं इस तरह से नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। गैस बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, वो आगे तक जाना होगा और आखिरी चोटी तक। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, हम लोग जा रहे हैं सामने फिर भी पूर्ण आया आए हैं, लेकिन ये बनर बाद में इसमें नहीं चढ़े, हम उधर चढ़े, मतलब अच्छा थोड़ी बना दिया, मतलब चढ़ने के लिए भी कोई आदमी दिक्कत नहीं होगा ना। इसको मरम्मत नहीं करते रहे खाली गर्मी में फाटे गए। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, और यहाँ पे लाइट भी लगा दिया है, सोलर के द्वारा जलता है,
अरे सीढ़ियाँ, दो सीढ़ियाँ बनी हुई है, इधर भी है और इधर भी, लेकिन यहाँ पे लोहा का ग्रिल लगा दिया है साइड साइड में चढ़ने के लिए। अब ऊपर जाके देखते हैं ऊपर क्या है, कैसा नज़ारा है ऊपर से नीचे देखने के लिए। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम इतना दूर चढ़ गए हैं और नीचे इतना दिख रहा है, बहुत ही मस्त नज़ारा है, देख सकते हैं इस तरह से। और अभी ऊपर और चढ़ते हैं कैसा। मतलब किस किस दिन भीड़ रहता है इसमें, यहाँ किस किस दिन में, मतलब किस किस समय में मेरा लगता है। अगर आप लोग थक जाइएगा तो यहाँ पर साइड होने के लिए बना दिया है, थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है आदमी यहाँ क्या। हाँ चढ़ते चढ़ते कोई थक जाएगा तो। बहुत ही मस्त नज़ारा है दोस्तों, अभी देख सकते हैं इस तरह से झारखंड पहाड़ पर्वत से भरा हुआ है और पेड़ पौधे से भरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम ऐसे ही। हम लोग का जो झारखंड है उसको ऐसे ही लोग नहीं बोलते हैं, बहुत ही अच्छा पहाड़ पर्वत से पेड़ पौधे से भरा हुआ है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहे, स्किप करके मत जाइएगा, इतना आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाइएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, आगे दिखाते हैं आगे मतलब ऊपर में क्या क्या है। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है ये पहाड़ से, पहाड़ से देखने पर। दोस्तों हम तो थक गए फिर भी चढ़ रहे हैं, कोशिश जारी है। कहाँ नीचे है बताओ ना, बहुत खतरनाक है। तो फ्रेंड्स और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूरा लोहरदगा दिखता है पूरा यहाँ से, ये पहाड़ ऐसा पहाड़ है यहाँ से पूरा दुनिया, पूरा लोहरदगा जिला दिख रहा है। हैं तो दोस्तों फाइनली हम लोग जहाँ पे हम लोग पहुँचना था वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। यहीं पे सीढ़ी का अंत है, सीढ़ी का एंड, यहाँ पे अंत है सीढ़ी का, आप लोग देख सकते हैं। और अभी जाते हैं ऊपर में किस तरह से नज़ारा है। मस्त अभी धूप कर रहा है, नहीं आखिरी है का और है। अरे बाप रे, सो सकते हैं दोस्तों, बहुत और ऊपर है बोल रहे हैं, इतने ऊपर चढ़ दिए हैं देख सकते हैं। लग रहा है कि पूरा तीनों पहाड़ में हम लोग घूमे, पूरा आकाश के करीब पहुंच गए वैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। लग रहा है कि हाथ उठाने से ये मतलब आकाश छू पाएंगे वैसा लग रहा है, इतना नज़दीक लग रहा है।
तो दोस्तों अभी देख सकते हैं इधर पूरा चट्टान ही चट्टान है, पूरा पहाड़े पहाड़ है, ये पत्थर का पूरा आप लोग देख सकते हैं। ऐसा नज़ारा हम कभी नहीं देखे थे, लेकिन देखे फर्स्ट टाइम। वहाँ तो चढ़ने के लिए नहीं बनाया ना कि वहाँ वो थी सब लाइट सब लगल है। ऊपर में ही तो गैस हम लोग पहाड़ तो चढ़ चुके हैं, लेकिन और एक पहाड़ है देख सकते हैं आप लोग उधर, और वहाँ भी चढ़ने के लिए अब देखते हैं कुछ किधर सुविधा होगा तो चढ़ेंगे जरूर। मेरे दोस्त जा रहा है आगे आगे, संदीप हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और इधर बड़ा बड़ा पहाड़ दोस्तों, कोई यहाँ से गिर गया तो मुंडी तक नहीं बचेगा, हड्डी मांस नहीं बचेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, अभी धूप कर रहा है तभी तो पानी आ रहा था, यहाँ तो छठी का सुविधा नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इसमें चढ़ रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा पहाड़ कैसे बन जाता है? नहीं पत्थर बढ़ता है तभी नहीं बता, इतना भयानक और बढ़ेगा कई बार बड़ा ही पत्थर कितना बड़ा का एरिया कैप्चर करेगा, ऊंचा होते जाएगा निकल रहा है। तो गए हाँ इसी से मैं चढ़वा था, और आप लोग देख सकते हैं इसमें छोटा छोटा एक रहस्य जगह है, मतलब रहस्य क्या मतलब छोटा छोटा डोभा सब है, अरे नली वली सब वो लोग किधर चढ़ा मस्त हो गया लास्ट है ऊपर लाइट उठ सब। ऊपर से नीचे देखने से देखते हैं पूरा स्कूल सब घर सब दिन छोटा छोटा दिख रहा है ये, कितना लगभग कितना फीट ऊपर आ गया, कितना हजार दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं इस तरह से नज़ारा है पीछे और आगे भी, बहुत ही ऊंचा पहाड़ है जिसे बजरी पहाड़ के नाम से जाना जाता है, और यहाँ बहुत सारे पर्यटक को बहुत सारे पर्यटक आते हैं देखने के लिए, देख सकते हैं लग रहा है आसमान के आसमान पहुँच गया वैसा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाता हूँ पीछे का नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं लोहरदगा का चौक उधर है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पहाड़ से जब नीचे देखते हैं तो सब छोटा छोटा नज़र आता है, पेड़ पौधा से लेकर गाड़ी घोड़ा सब।
नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है चारों तरफ, पूरा बादल भी साफ है, आकाश साफ है और पेड़ पौधा है। चलो चलो, तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहाड़ से उतर गए हैं, जो ऊपर जो पहाड़ था ना उसमें से हम लोग उतर गए हैं और नीचे आ गए हैं, और ये नीचे वाला ये पहाड़ से भी हम लोग नीचे उतरने वाले हैं। अब देखते हैं, अभी शाम का समय हो गया इसलिए अब घूम घूम के अंश आगे तो जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम फाइनली पहाड़ से नीचे उतर गए हैं, धनबाद पहाड़ से उतर गए हैं। और दोस्तों अभी हम यहीं पे अपना ब्लॉग को एंड करते हैं और यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों।